हे गाइस, बिटू आईटी हियर। तो आज का वीडियो ना इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं खेल रहा था लॉबी में 15,000 स्कोर एंड मेरे गेम में दो लड़के मेरे को रोज इमोट दिखाते हैं, मतलब रोज इमोट दिखा रही थी एंड ये यूट्यूबर थी वीवेज के साथ। मैं नहीं मानता गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब भाई क्या ही बोले। मतलब लॉबी में आपको थोड़ा सीन समझाता हूँ। सीन क्या हुआ था ना, ये लॉबी में आया था एंड ये दो लड़के मेरे को बढ़िया इमोट दिखा रही थी, मतलब टीम अप मार रही थी। इसको पता था ये जो यूट्यूबर है, इसको पता था मैं ग्रांड मास्टर टॉप वन पे हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, थर्ड नंबर पे जोया नाम की ये जो लड़की है, यही वो यूट्यूबर थी व्हाइट ड्रेस वाली। एंड गाइस एक यूट्यूबर और आया गेम में जो मेरी टीम में था, जिसका नाम है 5 Star Gaming। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5 Star भाई हमारे साथ खेल रहे थे एंड बेसिकली उनका नाम समीर है, तो समीर भाई बोलता हूँ मैं जाता है। समीर भाई हमारे साथ खेल रहे थे एंड मेरे साथ और भी था, फूफा खेल रहा था, किलर को खेल रहा था। तो सीन क्या हुआ था ना, मैंने डिसाइड किया था कि भाई मेरे को उस स्क्वाड को मारना है। तो लूट वूट करने के बाद तुम्हारा भाई गया था क्वार्टर टू पे एंड क्वार्टर टू पे जाने के बाद ना यहाँ पे एकदम मजा आ जाता है। यहाँ पे जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ, मेरे को यहाँ पे एक लड़की दिख जाती है। मैं समझ गया था कि ये लड़की वो जो यूट्यूबर का टीम है ना, जोया का, जोया की स्क्वाड मेंबर है, क्योंकि मेरे को जब वो लॉबी में इमोट दिखा रहे थे ना तो उससे इसका ड्रेस मैच कर रहा था। तो पहले यहाँ पे मैं कन्फर्म कर रहा था कि इसके कितने बंदे हैं, मेरे को वहाँ पेड़ के पीछे दो लोग दिख जाते हैं लगभग। मेरे को समझ में आता कि हाँ वहाँ दो लोग बैठे हैं, मतलब कन्फर्म नहीं हो रहा था, लेकिन मैं मतलब अपना पूरा बेस्ट दे रहा था कन्फर्म करने का, क्योंकि बहुत दूर का एरिया मैं देख रहा था। इंडिया मैप में मेरे को एक ही दिखता है एंड सेकंड बनता, मतलब मेरे को टोटल 3 एनिमी स्पॉट हो जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे तुम्हारा भाई ना इतना खुश हो जाता, मतलब जोया भी दिख जाती जो एलसेप में भागी थी। तो भाई मेरे को तो कंटेंट बनाना था वीवेज को मार के। तो भाई मैंने सोचा भाई वीवेज को मारूंगा एंड कंटेंट बनाऊंगा, बढ़िया इमोट दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे भाई को ये लड़की इतना गंदा डैमेज देती है, इतना गंदा डैमेज देती है भाई, किसी ने सोची ना होगी, मतलब ये लड़की मेरे को मारती है। लेकिन गाइस अभी भाई खत्म नहीं होता ना वीडियो, ऐसे जो सीजन 1 की लड़की आपको सामने भागते हुए दिख रही है, इसको तुम्हारा भाई इतना गंदा डैमेज दे देता, मतलब उसको मैं डैमेज देता हूँ, अपना बेस्ट डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी मेरे को डैमेज देते हैं एलसेप में भाग सकते। लेकिन गाइस ये लड़की इतनी बड़ी स्कैमर है, अभी आप गाइस आपको पता चलेगा, अगर आप मेरी जगह होते ना तो गाइस आप पक्का फंस जाते, मतलब अगर आप अपनी जगह होते, मेरी जगह नहीं होते, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। गाइस ये लड़की इतना बड़ा स्कैम करती है, इतना बड़ा स्कैम करती है, किसी ने सोची ना होगी। और अगर मैं एलसेप के जीने से जाता ना तो ये लड़की बवंडर मचा देती, मतलब गाइस देखो पूरा कैंप करके बैठी है यार। यहाँ पे मैं डाउन कर देता एंड इसका क्रोनो लेट डालता, मे भी इसका नेट स्लो था एंड इसके नेट स्लो होने की वजह से इसका क्रोनो लेट डाला। लेकिन गाइस अगर मैं जीने से आता ना तो मतलब ये तो M10 भर देती मेरे में और नेट गंदा होने की वजह से गाइस सोचो M10 की एमओ खत्म ही नहीं होती, चलती ही चली जाती, कितना बंदा स्कैम करती मेरे साथ। लेकिन तुम्हारा भाई फिर यहाँ से निकला एंड गाइस यहाँ पे ना इतना ज्यादा मजा आता है। गाइस यहाँ पे मेरे को जोया दिख जाती है एंड जोया को मैं मारता हूँ पूरा, लेकिन गाइस वो भाई टीम अप पे आ गए। लेकिन गाइस मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये जो जोया नाम की लड़की यूट्यूबर है भाई, ये एलसेप को इतने ऊपर क्या कर रही है चढ़ के, मतलब शायद इसका पिंग हाई चल रहा होगा इसलिए ऊपर जगह जाके खेल रही है कुछ भी। एंड गाइस उसके बाद देखो ये जोया नीचे आती है, भाई मेरे साथ टीम अप होता है उसका, बढ़िया इमोट बाजी होती है, फुल इमोट बाजी होती है एंड फिर हम यहाँ से निकलते हैं। मैं सोचा था कि अब इसको नहीं मारूंगा एंड मैं ट्राई कर रहा था कि इसके टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, मतलब मैंने एक यूट्यूबर की हेल्प करी गेम में ताकि उसका रैंक माइनस हो जाए, मतलब रैंक माइनस होने से बचा। सोच रहे हो कितना बढ़िया काम किया मैंने, मतलब तुम्हारा बेटू भाई भी कभी कभी अच्छे काम कर देता है गेम के अंदर, ज्यादातर टाइम तो तुम्हारा भाई मार देता। एंड गाइस ये वीडियो को जो भी बंदा अभी तक देख रहा है ना एंड तक जरूर देख रहा, क्योंकि इस वीडियो में ना इतना मजा आने वाला, इतना मजा आने वाला, किसी ने सोची नहीं होगी। गाइस उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गया था जो वेंडिंग मशीन थी, क्योंकि गाइस देखो रिवाइवल पॉइंट यूज करना बहुत डेंजर होता है एंड रिवाइवल पॉइंट यूज करने के लिए हम जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दिख जाता हमें, फिर हम ना इसको मार देते हैं। गाइस यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो ये किल मेरा चोरी कर लेती है जोया नाम की लड़की, मतलब मेरे नॉक बंदे को मार देती है। अभी वैसे देख लीजिए मेरा दिमाग कर रहा था कि अभी इसको किल कर दो, मतलब मेरा किल चोरी कर दो। गाइस किल चोरी करने पर ना बहुत गुस्सा आता है, वैसे तुम्हारे भाई का KD पता ही होगा तुमको किस लेवल का, एंड किल भी नहीं मिल रहा ऊपर से। एंड उसके बाद ये टीममेट को अपने वहां से टोकन से रिवाइव करते हैं एंड गाइस फिर हम लोग ऊपर आते हैं एंड ये फिर से मेरे को इमोट दिखाती है। एंड गाइस तुम्हारा भाई यहाँ पे बिल्कुल भाई बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं था एंड भाई यूट्यूबर है, मैं सोच रहा था यहाँ पे ग्रैंड मास्टर दिखाऊं बट जोन की वजह से ना ग्रैंड मास्टर का इमोट दिखता नहीं है। एंड गाइस आपको एक चीज और बता दूं, ये बिल्कुल भी कस्टम गेम प्ले नहीं होती जो बहुत से बंदे बोलते हैं कस्टम गेम प्ले। गाइस क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, जो एक ग्रैंड मास्टर का इमोट होता है ना, पहले उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लड़की मेरे को टीम अप कर रही थी, मैं इसमें गंदा डैमेज दे रहा था, फिर मेरे को पता चला है जोया की टीम मेट है एंड फिर इसको मैंने मेडी वेडी दिया। गाइस मैं बताता हूँ, देखो जो ग्रैंड मास्टर का इमोट होता है ना कस्टम में, जब भी हम करते हैं तो ग्रैंड मास्टर का इमोट कभी शो नहीं होता, मतलब हीरोइक दिखाता है कस्टम के अंदर। एंड अगर ग्रैंड मास्टर दिखा रहा है ना जैसे मैंने अभी दिखाया, तो मतलब वो कस्टम गेम प्ले नहीं होता, ठीक है ना। एंड गाइस ये लड़कियां देखो मेरे को रोज इमोट फिर से दिखाने लगे, भाई तुम्हारे भाई को भाई मतलब सोच रहे हो ग्लोबल टॉप वन पे जाने का कितनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, गजब टू बी बाजार, मतलब सारे बंदे जाते हैं, तुम्हारा भाई ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेयर इमोट मार देता है। ये इमोट ना फ्री फायर का मुझे अब तक का सबसे बेस्ट इमोट लगा। गाइस कमेंट करके बताना यहाँ पे कैसा लगा आपको। एंड गाइस अब आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह, गाइस वीडियो को अभी देख रहे हो ना बिल्कुल कट मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे इस गेम को
रखो ना, तुम्हारा भाई बोया नहीं करने वाला एंड ना ही जोया की टीम बोया करने वाली। भाई देखो यार कितना मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं एक टावर पे जाने वाला था एंड टावर पे ना एक और लड़की बैठी थी, मतलब एक अलग ही लड़की जिसको मैं जानता था कि नहीं, एंड ये भी मेरे से टीम अप करने लग गई थी। तो भाई तुम्हारे भाई तो भाई पता ही है कितना बढ़िया इंसान है, मैं नहीं मानता। एंड उसने उस लड़की से भी टीम अप कर लिया एंड मैंने सोचा चलो इससे भी टीम अप कर लेते हैं। एंड फिर यहाँ से मैं राइट में जाने लग गया था, मतलब मैंने इसको इग्नोर मारा। यहाँ पे जोया डैमेज दे रही थी, मैं जोया को मतलब मुक्के से इशारा करने वाला था कि मत मारो, उसको टीम अप हुआ। लेकिन यहाँ पे खुद जोया खुद नॉक हो जाती है, मतलब एक बंदा बहुत दूर से मारता है एंड आप देख सकते हो किंग राज के नाम के बंदे ने जोया को बहुत दूर से मार दिया। एंड गाइस तुम्हारे भाई का मतलब कंटेंट चला गया। मैंने सोचा था भाई इसको मैं पूरा रिवाइव दूंगा इसके टीममेट को या फिर मैं इसको मारूंगा तो कंटेंट बन जाएगा। लेकिन गाइस कंटेंट तो तब भी बनता है, तुम्हारा भाई वहां से कंटेंट निकाल देता है ना, यहाँ पे कंटेंट नहीं होता। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस लड़की को सेव करने का ट्राई करता हूँ, ये लड़की भी नुबड़ों की तरह मर जाती है मतलब। लेकिन गाइस इसको जो मार रहा था ना भाई, उसकी दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं दिख रहा था कौन है। फिर मेरे दिमाग में बात चमकी, टावर वाली लड़की नुबड़ी एक नंबर की बॉट लड़की, अरे बाबा ये मार रही है इन सबको। गाइस अभी देखना, एक फेसिंग से एक बंदा गया था जो टावर पे चढ़ने गया था, लेकिन इस लड़की पे मुझे इतनी गुस्सा आया ना, लेकिन मैंने कहा चलो इसने मेरे से तो टीम अप किया था कम से कम, तो मैं नहीं मारता इसको, छोड़ देता हूँ। एंड गाइस जब मैं टावर पे जाने लग गया था, मैंने सोच लिया था इस लड़की को मारूंगा, लेकिन ये दोनों उबड़े ना मेरे को गंदा डैमेज दे रहे थे, तो मैंने इनको डाउन कर दिया बहुत ओपी तरीके से। एंड गाइस अब टावर वाली लड़की को मारने जा रहा था मैं, टावर वाली लड़की पे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक अलग लड़का दिख गया एंड गाइस इसमें मैंने M10 गंदे तरीके से भर दी, बहुत गंदे तरीके से। लेकिन इस लड़की को समझ में आ गया कि मैं मार सकता हूँ शॉटगन से क्लोज में, तो ये टीम अप पे आ गई बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा इस लड़की को पूरा फिनिश कर दूंगा, पता चले मैं लड़की को छोड़ के इस लड़की को भी रिवाइव दिलवा दूं, लड़का मेरे को भर दे बाद में। तो गाइस उस लड़की को मैं छोड़ देता हूँ एंड गाइस मैंने बताओ सही किया कि नहीं किया, कमेंट करके बताना, उस लड़की को मैं छोड़ दूं। एंड गाइस अभी तो एक और ट्विस्ट होने वाला है गेम में, मतलब एक गेम में ना इतना रेयर बंडल आया, मतलब मैं आपको बताता हूँ जो इंडिया में केवल 30-40 अकाउंट में है, 30-40 अकाउंट में, मतलब इतना ज्यादा रेयर बंडल इस गेम में आया ना, आप सोच ही ना होगी आपने। अभी आपको वीडियो को एंड तक देखना, आप उस बंडल का नाम कमेंट करके जरूर बताना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब वो बंडल इंडियन सर्वर में बहुत ज्यादा रेयर है। एंड गाइस फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड जाते हैं, क्योंकि गाइस मेरे को बोया भी इंपॉर्टेंट था, बोया भी करना। एंड यहाँ पे अलग लड़ाई होती है एंड यहाँ पे फूफा डाउन हो जाता है, सोच रहे फूफा डाउन हो गया। एंड हम लोग यहाँ पे रश मारने जा रहे थे एंड मेरे को लग रहा था कि शायद फूफा यहाँ पे फिनिश होने के चांसेस थे पूरे। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को एक अलग बंदा दिख जाता है राइट साइड में, मैं ट्राई मारता हूँ उसको पूरा डैमेज देने का, बट यहाँ पे ना मेरे साथ एक और स्कैम हो जाता है। यहाँ पे सामने से मेरे को नुबड़ा भागते हुए जाता है, नुबड़ा नहीं बोलेंगे लेकिन बोलते हैं अच्छा प्लेयर था, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मैं इसको मारने जाता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा क्या ही मूवमेंट दिखा रहा था, मतलब रॉक बन रहा था भाई। मैंने डिसाइड किया इसको वन टैप मारूंगा, बहुत गंदा वाला हेडशॉट मारूंगा शॉटगन से। गाइस मैं फायरिंग जो शॉटगन होते हैं ना वो बहुत अच्छी चला लेता हूँ, ये वाली मेरे से चलते नहीं है, विंटल है, ये रैंक में लेके रखता हूँ क्योंकि इसका एक्यूरेसी अच्छा। लेकिन इस बंदे को भी मार देते, मतलब मेरे टीममेट आप देख रहे हो कितने बड़े वाले किल चोर है, मतलब 5-स्टार भाई किल चोर निकले एक नंबर के, मैं इसको मारना चाह रहा था एंड वो इस वाले को किल को लेगा। एंड गाइस मैंने सोचा चलो कोई नहीं अगला किल कर लूंगा। एंड गाइस यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, एंड लेफ्ट में मेरे को एक और फायर आता भाई, ग्रीन क्रिमिनल इंडियन सर्वर का मोस्ट रेयर बंडल गाइस, लेकिन अब नहीं रहा, लेकिन आ गाइस बहुत रेयर बंडल है, मैं नहीं माता बहुत ही ज्यादा रेयर बंडल है, इतना तो कहना पड़ेगा इस बंडल के बारे में। एंड गाइस इस बंदे को मैं शॉटगन से बढ़िया वाला वन टैप देना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई के साथ यहाँ स्कैम हो जाता, मतलब ये किलर नाम का था मेरी टीम में जो ब्लू क्रिमिनल है ना किलर भाई, ये नुबड़ा मेरा किल चोरी करके ले गया। एंड कहीं यहाँ पे समीर भाई फिर एक उधर फायर देने लगे, तो मैंने कहा किसको फायर दे रहे हो, फिर उन्होंने कहा वो लड़की है, मैंने कहा मत मारो वो तो हमारा टीममेट है, मतलब जिससे मैंने टीम अप कर रखा है। गाइस मैंने कहा चलो भाई जोया तो नहीं मिली मेरे को, जोया को बोया नहीं दे पाया, लेकिन इसको बोया दे दूंगा मैं। गाइस यहाँ पे ये लड़की आ जाती है एंड गाइस इसको, मतलब ये लड़की के नाम पे लड़का होता है गाइस, नाम मतलब लड़के वाला होता है एंड कैरेक्टर लड़की का लेके खेल रहा था, पता नहीं किस बेस पे। एंड यहाँ पे मैं बढ़िया वाला अपना एयर रेयर रिमोट दिखाता हूँ एंड मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ उसको ग्रैंड मास्टर दिखा देता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया ग्रैंड मास्टर होता क्या है, मतलब भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसने, या फिर मेरी वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, मैं सोचा उसको बोया दे देता हूँ क्योंकि टॉप टू तो मेरा हो ही गया था क्योंकि चार बंदे अलाइव थे। एंड गाइस ये लड़की अकेले अलाइव थी, यहाँ पे देखते हो तो 5-स्टार भाई भी ग्रैंड मास्टर पे, गाइस ये देख लो ये भी हीरोइक पे, मतलब 2-3 स्टार तो होंगे शायद। एंड गाइस उसके बाद 5-स्टार भाई भी एलिमिनेट हो जाते, किलर भी पूरा एलिमिनेट हो रहा था जोन से, मतलब उसके बाद ग्रेनेड नहीं था जोन से एलिमिनेट हो रहा था एंड बोया हमने लड़की को दे दिया। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना शेयर करना।